हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है, चाहे एक्सेल शीट हो या गूगल शीट। अगर आपने सेल एड्रेस नहीं सीखा तो पूरा एक्सेल आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सेल एड्रेसेस को सीखना सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी बन जाती है। अब ये सेल एड्रेसेस को सिखाने के लिए मैं एक्सेल जो एग्जाम्पल यूज करता हूँ वही यूज कर रहा हूँ। यही एकदम सेम रिजल्ट आपको मिलेगा एक्सेल में, सेम चीज आप एक्सेल में करेंगे, सारी चीजें एक्सेल में भी सेम है, ठीक है ना। तो ये अगर आपने सीख लिया तो आपको कभी भी एक्सेल और गूगल शीट या फिर इस तरह का और ओपन ऑफिस कैल्क या फिर लिब्रा ऑफिस कैल्क इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज करने में दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है ये, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमको टोटल कैलकुलेट करना है, तो ये तो आपको पता ही है कि कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में हो या गूगल शीट में हो इज इक्वल टू से शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए ये जैसे मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया, यहां पर ये ऑटोमेटिकली जज कर ले रहा है। ये देखिए गूगल शीट की एक खासियत है, यहां B2 C2 मैंने लगाया नहीं, ये ऑटोमेटिकली ले लिया और एंटर करेंगे यहां पे टोटल आ गया, देख सकते हैं। अब ये जैसे ही मैंने नीचे क्लिक किया तो ये कह रहा है सजेस्टेड ऑटोफिल, तो इस पे प्लस ये जो टिक वाला बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, सबका आ जाएगा, क्लिक करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स अमाउंट, ठीक है, टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है कि जो टैक्स अमाउंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो यहां पे दिया गया है। ये देखिए जो टैक्स लिखा है ना, यहां पर मैंने लगा दिया 10%, ठीक है। तो ये जो है टैक्स अमाउंट हमारा यहां पे दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ईजी है। आप कहेंगे इज इक्वल टू का निशान लगाइए, टोटल को सेलेक्ट कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे 10% को सेलेक्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हमने किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये 00 आ जा रहा है। कारण क्या है, सेल एड्रेस, सेल एड्रेस ही वो रीजन है जिसके चलते ये 00 आ रहा है। क्योंकि जब यहां पर आप आते हैं तो आप देखेंगे यहां पर है D2 × H8 ये वाला सेल एड्रेस है, देख रहे हैं ये टैक्स वाला जो सेल एड्रेस है वो H8 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो यहां का सेल एड्रेस आपको मिलेगा D3 × H9। तो D3 तो हो ही जाना चाहिए भैया, यहां पर माउस का प्राइस अलग आया हुआ है तो D3 तो होना चाहिए, क्या H9 भी होना चाहिए, H9। ये देखिए अब ये सिलेक्शन में H9 है, तो क्या H9 हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसीलिए सेल एड्रेस को सीखना बहुत जरूरी है। तो कितने तरह के सेल एड्रेस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए तीन तरह के सेल एड्रेस हैं एक्सेल में, ठीक है। एक होता है रिलेटिव, दूसरा होता है मिक्स्ड और तीसरा होता है एब्सोल्यूट। इसी सेल एड्रेस को सेल रेफरेंसेस भी बोलते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको पूरा एक्सेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत तो पूरा एक्सेल समझ में आ जाएगा। तो यहां पर 180 तो आ गया लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सेल एड्रेस का यूज करेंगे। अभी ये अभी देख सकते हैं इसके सेल एड्रेस में क्या लिखा हुआ है, D2 × H8। तो ये जो D2 × H8 है ये रिलेटिव टाइप का सेल एड्रेस है, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे में कैसे ये फिक्स होगा, क्या चीज चेंज हो जा रहा है जिसके चलते हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जा रहा है, उसको हमें समझना है। तो यहां पे H8 दिख रहा है, यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां का सेल एड्रेस बन जाता है H9, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो ये बन जाता है H10, यानी कि रो चेंज हो रहा है या कॉलम, एक बार मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, रो चेंज हुआ या कॉलम। तो यहां पर हमारा, मैं बता देता हूं वैसे मुझे कॉमेंट जरूर करिएगा आप, यहां पर हमारा रो चेंज हो रहा है, 8 चेंज हो जा रहा है, 8 जो है 9 में बदल जा रहा है, 9 जो है 10 में बदल जा रहा है, यहां पर दिक्कत है हमको, इसी को हमें सही करना है। तो आप क्या करिए, शिफ्ट दबा करके और जो 4 नंबर का अल्फा न्यूमेरिक की है डॉलर बटन जो है वो लगा दीजिए, ये लगा दिया। अब जिसको डॉलर मिल गया वो भाई फिक्स रहता है। तो यहां पर देखिए, यहां से अगर आप अब ड्रैग कराते हैं इसको तो ये सारा आंसर आपका आ जाएगा, ये देखिए सब आ गया, ठीक है। क्योंकि इसे मैंने फिक्स कर दिया, जो रो था उसे मैंने फिक्स कर दिया, रो नहीं चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका आंसर आ जा रहा है। तो ये जो रो ना चेंज होने वाली बात है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पे देखिए ये यहां पे देखिएगा, ये जो H$8 लगा हुआ है यहां पर, ये वाला हिस्सा देखिए, H$8 वाला हिस्सा जो है ये H$8 ही हो जाता है आपका, H$8 जो लगाया यही बन जाता है आपका मिक्स्ड सेल एड्रेस, समझ गए, मिक्स्ड सेल एड्रेस का एग्जांपल है। रिलेटिव था तो क्या था, केवल H8 था, क्या था, H8 ऐसे लिखा हुआ था, H8 देखिए H और फिर 8 लिखा हुआ था ऐसे, यानी कुछ भी फिक्स नहीं था इसमें। फिक्स कैसे हुआ, डॉलर लगाने से हुआ, समझ गए बात। एब्सोल्यूट कब हो जाएगा, जब दोनों फिक्स हो जाएगा, ठीक है, हम दोनों को फिक्स कर दें। क्योंकि इस केस में यहां पर एच हमारा फिक्स रह रहा है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, तो एच तो चेंज हो नहीं रहा है हमारा, हर बार एच चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो एच को मैंने खाली छोड़ दिया, एच पे डॉलर नहीं लगाया है। अगर आप एच के पहले भी डॉलर लगा देते हैं तो ये बन जाता है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। ठीक है, तो तीनों का एग्जांपल आई होप कि समझ में आया होगा। एब्सोल्यूट यानी कि ये भी चेंज नहीं होगा, हालांकि हम तो उसी कॉलम में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी सिर्फ रो चेंज हो रही थी जिसके चलते ये गड़बड़ी हो रही थी। क्लियर, तो ये एब्सोल्यूट सेल एड्रेस का एग्जांपल हो जाएगा, यानी कि यहां पर दोनों ही चीजें फिक्स हो जाए, कॉलम भी फिक्स हो जाए और प्लस और रो भी फिक्स हो जाए, दोनों फिक्स हो जाए। ठीक है ना, यानी कॉलम फिक्स ही है, कॉलम के पहले डॉलर लग गया तो कॉलम फिक्स और रो के पहले डॉलर लग गया तो रो फिक्स। आ गई बात समझ में, तो ये जरूर याद रखिएगा।